तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। वेलकम इन मास्टर माइंड। रोज की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और पल पल के अपडेट आपको एयरलाइंस की मैं दे रहा हूँ आजकल। तो आज हम जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आऊँगा, तो मैं आज आपके जो क्वेश्चन थे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे हर किसी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। बहुत रिप्लाई दे रहा हूँ, 90% लोगों का रिप्लाई दे रहे हैं। कोशिश करता हूँ, लेकिन काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, उसके लिए सॉरी फॉर डैट। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, शायद मैं आज 8-10 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कुछ आपसे रिलेटेड ने जो मुझे कमेंट किया है उससे रिलेटेड। देखिएगा, शायद आपका भी इसमें नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका जो कमेंट होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो भी है, मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको मतलब आंसर देने की कोशिश करता हूँ, बताने की कि उसमें प्रॉब्लम रिफंड से लेकर आपका जो इतने सारे क्वेश्चन हैं आपको कुछ अपडेट मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, इन्होंने पूछा है अनिमेश राज ने। अनिमेश राज जी, थैंक्स फॉर कमेंट, कमेंट करने के लिए थैंक्स, वीडियो देखने के लिए भी थैंक्स। तो उसने पूछा है, सर मेरी जर्नी 24 मार्च की थी, मैं बहुत सारे मैसेज किए गो एयर को, लेकिन उन्होंने तो रिफंड किया और नहीं तो क्रेडिट सेल दिया, अब मैं क्या करूँ, हेल्प मी। सॉरी दोस्तों, मैं पहली बात तो आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सर करके मत बुलाइए, भाई करके बुलाइए। एक्चुअली मेरा रियल नाम बोले तो मैं सुधीर के नाम से हूँ, तो आप सुधीर बोल सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी Sudhir4Sandra यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे में, यहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं आंसर दे दूंगा। फेसबुक पर आप सर्च करेंगे तो सुधीर यादव के नाम से सर्च कर लीजिए, ट्विटर पर भी सर्च करेंगे तो सुधीर यादव के नाम से सर्च कर लीजिए। तो पहली बात सर मत बोलिए। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो अनिमेश जी, आपने बोला है 24 मार्च की आपकी टिकट है और बहुत सारे मैसेज किए गो एयर को, लेकिन उन्होंने तो रिफंड नहीं किया और ना क्रेडिट सेल दिया। तो बिल्कुल सही है आप जो बोल रहे हैं, 24 मार्च को अगर टिकट आपने बुकिंग थी, आपने अगर बुकिंग किया होगा 24 मार्च को, तो आपको रिफंड के लिए फुल एलिजिबल है, फुल आप एलिजिबल है, क्योंकि जो DGCA की गाइडलाइंस आई थी उसमें बोला गया था 24 मार्च से लेके 3 मई के बीच में जिनका भी टिकट था उनको फुल रिफंड देने के लिए DGCA ने सभी को बोला था, लेकिन ये लोग अभी नहीं कर रहे। और गो एयर की बात कर रहे हैं, गो एयर पर मैंने बहुत कॉल कर लगा कि मैं थक गया हूँ, तो गो एयर वाला भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपको एक काम करना है, मैं बताता हूँ, आप बस ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर जाकर वो ट्विटर पर जरूर रिप्लाई करेंगे, ट्विटर पर उनको हैंडल कीजिए। और मैं बहुत बार बोला हूँ कि DGCA को भी अपना प्रॉब्लम को वहाँ पर बताइए। और बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आपको, मैं वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, मैंने डाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट से भी लेके एक रिलेटेड वीडियो आया है, रिफंड के रिलेटेड वीडियो आया है, जल्दी फैसला होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम जो DGCA और जो एविएशन मिनिस्टर से हम बैठक करेंगे, उनसे रिफंड के लिए जो बात होगी उसको जल्दी हम इसके बात करेंगे। और ऊपर से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने भी ये ट्वीट करके बोला था कि जो कस्टमर का रिफंड है वो जल्दी दे दिया जाए, उन्होंने भी DGCA को रिक्वेस्ट किया था। तो जल्दी शायद हो सकता है आपको ये जल्दी न्यूज़ खुशखबरी आपको मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदीप कुमार जी का क्वेश्चन है, गो एयर वाले फ़ोन पे रिसीव नहीं कर रहे हैं, बहुत बैड सर्विस है गो एयर, कभी टिकट मत खरीदना दोस्तों। सेम क्वेश्चन आपको बोला था, सेम क्वेश्चन है, जो आंसर आपको दिया मैं यही आंसर। तो आपको गो एयर का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अभी वही बोल सकता हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो अभी गो एयर का कॉल नहीं लग रहा है। और मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी कि आप अगर इजी माई ट्रिप से अगर कोई भी टिकट बुक किए हैं, इजी माई ट्रिप से अगर कोई भी आप टिकट बुक किए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इजी माई ट्रिप से वहाँ से जो इंडिगो का है, या तो एयर एशिया का हो या तो एयर इंडिया का हो, ये लोग तीनों कंपनियां बोल रही है कि हम इजी माई ट्रिप से जिन्होंने टिकट बुक किया है उनका रिफंड वो लोग इजी माई ट्रिप को कर दिए हैं। तो आपको करना क्या है, इजी माई ट्रिप पे अगर तीनों का टिकट आपके जिसके पास है, एयर एशिया का हो या एयर इंडिया का हो या तो एयर इंडिगो का हो, अगर इन तीनों का टिकट आपके पास है तो आप इजी माई ट्रिप से अगर बुक किया है तो वहाँ पर जाके आपको कॉल करना है इजी माई ट्रिप को, आपको वहाँ से रिफंड वो लोग दे रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया, रिफंड वहाँ से मिल रहा है, मेरे कुछ कस्टमर भी बोले थे कि वहाँ से रिफंड सर मिल रहा है। तब थर्ड क्वेश्चन की बात करते थे, बात करते हेमंता भट्ट
भट्टा राज राय सॉरी भाई यात्रा रिफंड नहीं दे रहे हैं, तो मैं बोलूँगा हेमंत जी आपने किस वेबसाइट से बुक किया था टिकट को, आप उसमें थोड़ा डिटेल बता सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने किस वेबसाइट से बुक यात्रा से बुक किया था, लेकिन किस डेट को बुक किया था और कौन सी एयरलाइन से आपको, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए वीरेंद्र शर्मा करके हैं, वीरेंद्र शर्मा है, उन्होंने पूछा है हमको IRCTC एयर वाले बोले कि ईमेल आईडी से कैंसल टिकट मेल करो प्लीज़ हमें बताएं। तो मैंने आपको यहाँ पर रिप्लाई देख लीजिए, यहाँ पर मैंने रिप्लाई भी आपको दे दिया हूँ वीडियो में देख लीजिए, कि मैं ये वीडियो का एक लिंक भी दिया हूँ आप यहाँ पर देख लीजिए, वो लिंक को आप क्लिक कर लीजिए। मैंने पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ, पूरा प्रोसेस मैं बता दिया हूँ कि आपको एयर अगर IRCTC से टिकट बुक किए हैं तो आपको फुल रिफंड मिल रहा है, तो आपको क्या प्रोसेस करना है मैं इस वीडियो में पूरा बता दिया हूँ। तो यहाँ पे जो लिंक दिया आप इस लिंक पर देख के आप वहाँ से पूरा वीडियो देख के आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो मैं दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो पूछा है मोहम्मद फखरुद्दीन भाई केरला टू आसाम एयर एशिया फ्लाइट को चालू होगा प्लीज़। तो भाई केरला टू आसाम एयर एशिया फ्लाइट अभी चालू नहीं हुई है, और चालू होगी तो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कुछ कंडीशन में भी कहीं भी जहाँ पे अभी COVID-19 का ज़्यादा हुआ है वहाँ पे अभी एयरलाइंस स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीपक भट्ट, इन्होंने पूछा सर पेटीएम वाले कह रहे हैं कि जल्दी रिफंड कर देंगे, पेटीएम कस्टमर केयर से बात भी हो रही है, पर इंडिगो कस्टमर केयर वाले कहते हैं कि हमने रिफंड कर दिया है। तो ये होता है एजेंट का थ्रू, ये हो गया जो थर्ड पार्टी एजेंट होगा, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना दिया हूँ, आप देखना है तो देख लीजिएगा कि जो एजेंट और थर्ड पार्टी क्या होता है। तो थर्ड पार्टी में आ जाता है आपका मेक माई ट्रिप, इजो गो आई वीवो हो जाता है, पेटीएम होता है, फ्लिपकार्ट होता है, अमेजन होता है, ये जितने भी एजेंट है इनके थ्रू हम टिकट बुक करते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज इनके तरफ से डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो सही बोल रहे हैं इंडिगो वाले, वो लोग इंडिगो वाले जो है अपने वेबसाइट जितने भी टिकट है सबको अपने एजेंट को टिकट वो पैसे रिफंड कर दिया, लेकिन इनके हाथ में है कि वो टिकट का पैसे दे या न दे या तो क्रेडिट सेल दे। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा ये लोग नहीं देने वाले हैं अभी तक आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेखर रोहरा, आई हैव बुक टिकट ऑन January 2020 फॉर ट्रेवल पीरियड March 24 बट आई हैव नॉट रिसीव रिफंड। सॉरी फॉर डैट, आपको शेखर जी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर DGCA की गाइडलाइंस के अनुसार आपको रिफंड इसलिए उसी शर्त पर मिलेगा जब 24 मार्च से लेकर 3 मई के बीच में आपका बुकिंग डेट और ट्रैवल डेट रहेगा, तभी आपको वहाँ पे मिलेगा रिफंड। तो आपका आपने बोला है कि जो आप January 2020 को आपने टिकट बुक किया है तो आपको क्रेडिट सेल मिलेगा, आपको जिस एयरलाइंस की क्रेडिट आपने लिया है उसके कस्टमर केयर को या तो उस थर्ड पार्टी से आपने लिया है तो उसको कॉल करके आप क्रेडिट सेल के लिए अप्लाई उन्हें कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेमा राम पवार भैया हमारा टिकट 8 टिकट है गो एयर से अहमदाबाद से चेन्नई के लिए 15/6/2020 को था, परंतु गो एयर ने हमारी फ्लाइट रद्द कर दी है, हमने कस्टमर केयर को फ़ोन करके भी थक गए हैं, कोई भी हमारा कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, भैया हमारे पैसे भी वापस रिफंड चाहिए और कैसे करे कोई इन गो एयरलाइंस कंपनी को। तो मैं इसके सबसे पहले आप वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने इसका आंसर दे दिया है कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये गो एयर वाले अभी किसी को रिफंड नहीं दे रहे हैं ना क्रेडिट सेल दे रहे हैं, तो ये गो एयर का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मेरी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है उससे रिलेटेड बात करनी है। तो बिल्कुल भाई मैं सबका सपोर्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप हमारे उसमें जो हमारे टेलीग्राम्स भी है वेलकम इन मास्टरमाइंड से, आप वहाँ भी टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सुधीर यादव के नाम से, Sudhir400 है यहाँ पर नीचे में दिख जाएगा आपको, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ बताएंगे तो मैं जल्दी आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल आपने नहीं दिया है कि मैं क्या बोलूँ आपका आंसर का, तो आप वहाँ पर मुझे आपको मेल आईडी भी दे दिया हूँ, आपको मेल आईडी मैं यहाँ पर दे दिया हूँ और फॉलो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर भी आपको दे दिया हूँ, तो आप वहाँ मुझे करिए मैसेज, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई जो भी बात करना होगा वहाँ पे कर लेंगे। और पर्सनली आपको नंबर चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मैं पर्सनली आपको मैसेज में जाकर अपना नंबर वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं पर्सनली आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देकर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सैयद बलोच, मेरा डेट ऑफ जर्नी 15 अप्रैल है, फ्लाइट डेट ऑफ दुबई टू पटना है, कैंसिल हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस, मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला है, क्या मेरा फुल अमाउंट मिलेगा? आपका जर्नी डेट सर ने बताया 15 अप्रैल है, लेकिन आपका बुकिंग डेट बताते तो मैं आप शायद आप में कुछ मैं हेल्प कर सकता था, तो आप प्लीज़ मुझे बुकिंग डेट बता दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उन्हीं का है, फिर से क्वेश्चन उन्हीं का है, दीपक भट्ट का ही, तो आपने मैं वो कर दिया हूँ। और यहाँ पे आया एस दास का, सर पेटीएम से बुक किया है एयर एशिया का फ्लाइट, कैंसिलेशन का पैसा कैसे वापस होगा? तो आपको एयर एशिया रिफंड दे रही है, आपको पेटीएम कस्टमर केयर से बात करनी होगी और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, तो आपको पैसा शायद वहाँ से रिफंड मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जल्दी ये फैसला आने वाला है रिफंड को लेकर। तो ऐसे में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, देख लीजिए, जिनका मैं रिप्लाई दे चुका हूँ, तो मुझे लगा कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैं उसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो बना दिया हूँ, आप यहाँ पे देख लिए हैं। तो देखिए, मैं सभी का आप देख रहे हैं वीडियो में व्यू रिप्लाई मैं दे दिया हूँ, सभी का रिप्लाई लगभग दे दिया हूँ, मैं कोई भी ऐसा कमेंट नहीं छोड़ता हूँ जिसका मैं रिप्लाई ना करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो, और इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेट फील नहीं होगा। मुझे जानना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बस इतना ही था वीडियो में, और कुछ जरूर आएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज जरूर लेके आऊँगा, और आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमेशा आप चाहेंगे तो हमेशा मैं स्टार्ट करके रखूँगा, और जब भी ऐसा होता है मौका मिलता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो बस इतना था, थैंक यू सो मच।